हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं गूगल पे की, जो आज के युग में काफ़ी प्रचलित है। तो गूगल पे हम बात करेंगे अकाउंट कैसे बनाएं, पैसे ट्रांसफ़र कैसे करें और रिवार्ड कैसे मिलता है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे स्टोर पे जाएंगे। गूगल पे स्टोर पे जाने के बाद हम सर्च बॉक्स में गूगल पे डालेंगे। ये देखिए, हमने गूगल पे डाला, गूगल पे ये नीचे आ गया, इसको हमने क्लिक किया और ये देखिए गूगल पे आ गया। अब हम इसको जो हरे कलर में इंस्टॉल लिखा है, अब इस पर क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। गूगल पे अब डाउनलोड होने लगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। अब ये इंस्टॉलिंग होने लगी। अब ये देखिए हमारा गूगल पे लगभग इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद नीचे ओपन करके आएगा, लिख करके ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आता है, थोड़ा वेट कर लेंगे क्योंकि गूगल पे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगती है, जिसकी जैसी मोबाइल उतनी फास्ट स्पीड, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर नंबर मांग रहा है, जो बैंक में आपने नंबर रजिस्टर करवाया है उसी को यहाँ पे डालना पड़ता है। तो देखिए हमने नंबर डाल दिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप लोग की ईमेल आईडी मोबाइल में ऑलरेडी पड़ी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं पड़ी है तो कलम वाले जो कलम बना है उस पर क्लिक करके चेंज गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए एड लिखा है, एड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, और इसमें उस जीमेल आईडी को डालनी है जो आपकी बनी है पहले से, या फिर जो आप नई ईमेल आईडी डालना चाहते हैं। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिसको डालना चाहते हैं, और इसमें देखिए ये जो आ गया खाना, इसमें अपनी नई ईमेल आईडी या जो आप भी डालना चाहते हैं, जो भी ईमेल आईडी, इसमें हम अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी कैसे डालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक ईमेल आईडी अपनी लिख रहा हूँ, इससे आपको पता चले कि यहाँ ऐसी ईमेल आईडी डाली जाती है। मैंने लिखा है यहाँ पे एक के 12773 इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसा कि मैं पहले से ही अपना जो ईमेल आईडी डाल रखा हूँ, तो मैं बैक जाता हूँ, और बैक जाने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मोबाइल पे ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी मोबाइल अपने आप जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ओटीपी आने का। ये देखिए ओटीपी आया, और अपने आप ही जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए मैसेज भी आ गया और ओटीपी भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब ये जो है ये हमारा ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इसमें गूगल पिन जो है सेट करना होता है, जो बार बार जब ट्रांजेक्शन करते हैं आप, तो उसमें गूगल पिन पे ओके करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अपना गूगल पे पिन सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ देखिए ऐसा इंटरफेस आया, स्टार्ट ए न्यू पेमेंट, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। ये सिक्योरिटी मांग रहा है तो इस पर ओके कर देंगे। ये देखिए हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे अपना जो है बैंक जो है, जिस बैंक का आपका अकाउंट नंबर है, उसको यहाँ पे आपको एड पे क्लिक करके उस बैंक को जो है सर्च करना है। यहाँ पे देखिए हमारा बैंक का नाम यूनियन बैंक, तो मैंने यूनियन बैंक को सर्च किया, और नीचे देखिए यूनियन बैंक आ गया, उसको हम क्लिक किए और ये गूगल पे एक्सेप्ट कर ले के लिखा रहा है, एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो सेंड मैसेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये कुछ टर्म कंडीशन होती है, उस पर अलाउ करना पड़ता है, अलाउ कर दिए। और अलाउ करने के बाद ये तीन स्टेप में आपका वेरीफिकेशन होता है, और ये तीन स्टेप वेरीफिकेशन जैसे हो जाएगा वैसे आपके मोबाइल गूगल पे जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो है हमारा तीन स्टेप पूरे हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए हमारा जो है बैंक भी जो है ऑलरेडी वो अपना जो है ऑलरेडी ऐड हो गया है। अब हम यहाँ से अपने जो है फीचर्स को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिखा रहा है। हमारा गूगल अकाउंट बन गया है, और ये देखिए हमारा फीचर मैंने पहले से किया है, तो वहाँ पे जो है लोगों को दिखा रहा है। अब न्यू पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए करने के बाद बैंक ट्रांसफ़र दिखा रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखा रहा है, इससे भी आप ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड से भी जो है आप कर सकते हैं, और एक सेल्फ ट्रांजेक्शन होता है, इससे भी आप जो है पैसे को जो है आप एक दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए जो है यहाँ पे देखिए, एक मोबाइल रिचार्ज का भी ऑप्शन आता है, बिल पेमेंट भी इससे कर सकते हैं, ऐसा सारा जो इंटरफेस और आइकन्स बन के आते रहें गूगल पे में। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें किसी को पैसे भेजने हैं किसी का, तो उसका हम अगर मोबाइल में जो है फ़ोन नंबर से, यहाँ पे फ़ोन नंबर से पैसे भेजने हैं, तो उसके फ़ोन नंबर पे क्लिक करके जिसको भेजने हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, या फिर यहाँ पे ना डाल करके आप जो है यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर अभी जो है इसको बैक करते हैं और इसको जैसे इसको बैक मान लीजिए कर दिए, और ऊपर देखिए सर्च पीपल लिखा है आपके मोबाइल में, अगर उस आदमी का नाम इसमें सेव है तो सर्च पीपल पे जो है उसका नाम डालेंगे, जैसे मान लीजिए हम आशीष एक नाम है, एक दोस्त है मेरा, तो उसको मैंने जो है यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आशीष कुमार, इस पर क्लिक कर देंगे, उसने गूगल पे अकाउंट बना रखा है, अब उसके मुझे पैसे भेजने हैं, तो ये देखिए मैंने पहले से भेज रखा है, तो फिर भेजना पे क्लिक करेंगे, पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मांग रहा है कि अमाउंट कितना रुपये आपको भेजना है उसको, जिसको भी आप भेजना, मान लीजिए एक रुपये मैं भेज के दिखा रहा हूँ कैसे भेजना, एक रुपये मैंने भेज दिया, फिर प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ग्रांट मांग रहा है आपसे, परमिशन मांग रहा है, परमिशन ओके कर देंगे, फिर अलाउ पे भी ओके कर देंगे, अलाउ पे ओके करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो आपने गूगल पिन बनाया था पीछे, जो आपने यूपीआई गूगल पिन बनाया था आपने, उसको आपको जो है इसमें डालना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें, ये देखिए हमारा जो है पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में है, और ये जो है आपका पेमेंट हो गया। मैंने जो है जो बताया अभी पिन डालना होता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी जो है वो पहले ही मांग लेता है, तो मेरा पहले ही मैंने यूपीआई पिन डाल दिया था और मेरा जो है ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऐसा ऐसे फीचर सारे दिखाए जाते हैं इसमें गूगल पे में, सारे फीचर ऐसे, मान लीजिए मैं मुझे किसी, इतने लोग हो जाते हैं भेजते भेजते, तो किसी को हाइड करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, जिसको भी हाइड करना होता है उसको क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ से हट जाएगा। ये सारे फीचर्स होते हैं। पैसे कैसे मिलते हैं पैसे भेजने पे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।